सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ऑल थिंग यूट्यूब चैनल वीडियोस पे। यहाँ पे आपको हर टाइप की वीडियोस मिलेंगे, आपकी स्टडी से लेके किसी भी प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग के लेके यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं कोई भी वीडियोज डालूँ तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोस एंड कमेंट ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। जैसे कि हम यूट्यूबर्स कोई भी वीडियोस बनाते हैं तो हमें एक प्रोफेशनल माइक की जरूरत पड़ती है, जिसमें एचडी हमारे साउंड रिकॉर्ड हो। तो जैसे आप ऑनलाइन माइक देखेंगे तो वो कम से कम आपको 400 से 500 से 1000 से लेके 3000 तक के माइक मिलेंगे, जो हमारे लिए बहुत कॉस्टली होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको वो माइक बताऊंगा जो आप घर बैठे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वही माइक यूज़ करता हूँ जो मैंने घर बैठे बनाया है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बस मैं घर बैठे जो मैंने माइक बनाया मैं उससे रिकॉर्डिंग करता हूँ हर वीडियोज़ पे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर प्रोफेशनल माइक चाहिए तो उसके लिए आपको बस एक एयरफोन्स चाहिए जो पुराने हों। देख सकते हैं आप एयरफोन्स, ये वाले जिनके 3.5 mm जैक हो, पिन वाले, नॉट अ ब्लूटूथ वाले। देखिए आप ये वाले, तो उसके जो स्पीकर्स होते हैं जिनके ख़राब हो एयरफोन्स। अगर आपके पास एयरफोन्स, एक ही एयरफोन्स है जिसे आप बस म्यूज़िक के लिए यूज़ करते हैं, तो आप एक 30 रुपीज़ का भी एयरफोन खरीद सकते हैं, उससे भी आपकी साउंड रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको बस आपको क्या करना है, जो ये एयरफोन्स होते हैं, आपको मैं इसका बताता हूँ। जो ये 3.5 mm जैक है, देख सकते हैं आप, जो ये वाले होता है ये हमारे ऑडियो के लिए, तो ये वाला और ये वाला हमारे ऑडियो के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, हमें इसी की जरूरत पड़ेगी अभी। तो आपको क्या करना है, बस सारा काम इसका है सारा काम। ये हमारा माइक का काम करता है, ये चीज़ जिसमें हम बोलते हैं, बात करते हैं, ये हमारा माइक का काम करता है। इसी से हमारी वॉइस रिकॉर्ड होती है। तो फ्रेंड्स, बस आपको क्या करना है, ये जो दो वायर जा रहे हैं, ये वायर देख सकते हैं आप, ये जो दो वायर हैं स्पीकर वाले, इनको हमें हटाना है, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको अब यहाँ से हमें कट कर लेना है। जो ये है, आप ध्यान से देखिए, गलत काटिएगा मत। जैसे ये है हमारा वायर, तो हमें इसको यहाँ से कट करना है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो और हमारा लास्ट का पोर्शन हमारा ये बचा रहना चाहिए, ये वाला 3.5 mm जैक वाला हमारा ये लास्ट का पोर्शन बचा रहना चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए। ये हमें अपने फ़ोन, लैपी या पीसी किसी में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए करते हैं इस काम, कैसे करें देखिए। तो हमें क्या करना है, बस ये जो दो वायर जा रही है हमारी, इन्हें कट करना है। आपको एक सीजर लेना है, आराम से कट कीजिए, आपकी उंगली उंगली में ना लगे। तो आपको बस यहाँ से आराम से, बस यहाँ से आप इसे कट कर दीजिए। कट कर दिया तो अब आपकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपके ईयर्स में हेडफोन जाते हैं इसको आप हटा दीजिए। बस फ्रेंड्स, आपको बस इसी को काम में लाना। आप इसमें आप एक फ़िल्टर लगा सकते हैं जिससे अच्छी रिकॉर्डिंग हो, और आप इसमें एक छोटी सी क्लिप लगा सकते हैं जो आप अपने कॉलर में लगा के रिकॉर्डिंग कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब देखिए ये इसका कुछ ऐसा लुक आएगा, देखिए इसका कुछ ऐसा लुक होगा। ये है 3.5 mm जैक। तो हम इसे टेस्ट करेंगे अपने इसी वीडियो में, फ़ोन में लगा के देखते हैं कि हमारी साउंड कितनी क्लियर आती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं, ये बिना मेरी माइक की वॉइस है। ये जो मेरा पहला माइक था जिसे मैं रिकॉर्डिंग करता था, उसको मैंने हटा दिए। अब हम इस माइक को लगाएंगे और आप बताइए कि वॉइस कैसी आ रही है कमेंट में करके। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसे हम लगाते हैं अपने फ़ोन में। जैसा कि फ्रेंड्स, अब हमने लगा दिया है इसको अपने फ़ोन में, आप सुन सकते हैं मेरी वॉइस, उसी माइक से वॉइस आ रही है जो हमने बनाया है। देख सुन सकते हैं कि कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, आप इसी से अपनी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ये घर में बनाइए, ट्राई कीजिए, ये बस फ्री में आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। तो आपको ये आशा लगाओ आपको ये अच्छी वीडियो लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, गुड बाय,
एंड टेक केयर। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जा सकते हैं, मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए और वहाँ से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फेसबुक का भी, तो आप जाइए वहाँ से मुझसे पूछ भी सकते हैं। फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, इन्जॉय।